समुद्र के अंदर क्या क्या समाया है ना, कोई नहीं जानता। लोगों का ऐसा मानना है। अभी हम इस जिस प्लेस में हैं उस प्लेस का नाम है धनुषकोटी, और 1963 में ये धनुषकोटी एक शहर हुआ करता था जिसमें 4000 लोग रहा करते थे। और जिस जगह पे हूँ मैं अभी, आप देखो ये मकान उस समय के हैं, बहुत पुराना मसला नहीं है, 1963 का ही मसला है जब यहाँ पे सुनामी आया था। और ये शहर में 4000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय, क्योंकि इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट उस समय जो घर हुआ करता था, और सुनामी में एक क्षण में सारा कुछ ख़त्म हो गया। 3 किलोमीटर के अंदर ये शहर फैला हुआ था, 3 किलोमीटर, आप समझ सकते हो। और अभी जिस जगह पे हैं वहाँ पे जब सुनामी आई होगी तो यहाँ पे काफ़ी लोग हुआ करते होंगे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और माताएं, बहनें। बट नेचर से कोई नहीं लड़ सकता हो। जिस समय सुनामी आई होगी तो आप समझ सकते हो क्या उस समय स्थिति हुई होगी। यहाँ पे एक मंदिर भी है शिव जी का रखा हुआ है, स्टैचू कलश जिसको बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये उस समय का शहर हुआ करता था जो आज के डेट में वीरान हो चुका है। ये देखो भोलेनाथ भगवान का ये मंदिर हुआ करता था कहीं ना कहीं, और मंदिर वैसे ही है। और यहाँ पे नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं, और ये देखो उस साइड से पानी निकलता होगा। और इसको एज इट इज़ छोड़ा गया है, इसको बनाया नहीं गया, उसके बाद से डेवलप नहीं किया गया, एक विरासत के रूप में कि क्या हुआ था उस समय, क्या था उस समय, ये कुछ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कुआं हुआ करता था उस समय, ये कुआं था, तो कुआं पूरा ढक गया, तो भी पानी है इसमें। अब समुद्र इतना पास है तो पानी तो होगा ही। और ये क्या है, यहाँ पे हर कुछ था। मैंने बात किया लोकल लोगों से, मैं आपसे की बात भी कराऊंगा। वो सामने मेरे ख्याल से चर्च हुआ करता होगा। ये ज़्यादा पुराना दिन नहीं है, 1964, 58 साल पहले की बात है। और ये देखो अभी क्या था मैं तो नहीं बता सकता, बट अभी खंडर हो गया है। और ये ईंट से बना हुआ सब कुछ है। और इधर भी आप देख सकते हो उस समय का मकान। अब इसको घेर दिया गया है, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, लोग देखने आते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था 1964 में जब सुनामी आई थी। साइंस उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। अभी मैंने लोकल लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ होगा तो हमें मालूम चल जाएगा पहले, बिकॉज साइंस इज़ क्वाइट डेवलप। यहाँ पे टावर वगैरह बने हैं, सुनामी आएगी, इस तरह का कोई सिचुएशन आएगा तो हमको यहाँ से निकाल लिया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। बट उस समय की बात कुछ अलग थी। ये आप देखो एक घर था। अब घर था क्या था ये तो यहाँ के लोकल लोग ही बता पाएंगे, बट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस थे, ये सारी चीज़ें थी, स्कूल थी, और 3 किलोमीटर तक शहर बसा हुआ था, यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। और ये जो आप पीछे समुद्र देख रहे हैं, इस समुद्र में पूरा डूब गया है वो शहर, ये कुछ पार्ट बचा हुआ है जो अवशेष बचे हैं। सो दिस ऑल अबाउट, कहीं ना कहीं उस समय पानी पूरा ऊपर तक आ गया होगा और फिर पानी पीछे की तरफ बैक गया होगा। तो ये उसकी कहानी है और मेरी जुबानी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी जगह पे आकर के, मैं फिल्मिंग नहीं करना चाहता हूँ। मुझे उस तरह का अंदर से फील होता है कि यार क्या करूं, उस समय के सिचुएशंस मुझे समझ में नहीं आते हैं, उस समय के सिचुएशंस मैं फील करने लगता हूं। इट्स ऑल अबाउट वेरी बैड, यू नो। ये देखो कुछ था, कुछ तो होगा, शहर का शहर डूब गया। ये देखो बालू बालू आ गया। सो ये भी कुछ रहा होगा, लोकल लोग बता पाएंगे कि क्या था। मैंने लोकल लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस थे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन था, यहाँ पे स्कूल था, यहाँ पे लोगों के घर थे, 4000 लोग
उस समय सुनामी के चपेट में आ गए थे, और ये जो पूरा शहर बड़ा शहर हुआ करता था वो पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया और पानी के अंदर डूब गया, ऐसा कहना है उनका। आप देखो, सो व्हाट पीपल आर डूइंग, पीपल आर कमिंग राइट नाउ एंड टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स, यू नो, बट इसके पीछे बहुत दर्द है। इसके पीछे पूरी की पूरी फैमिली लोगों की ख़त्म हो गई होगी। इट इज़ ऑल अबाउट दैट, वेरी सैड। ये आप देखो, ये अब घर घर नहीं रहा, खंडहर हो गया है। किसी का बड़ा घर हुआ करता होगा उस समय, या कोई स्कूल होगा, या फिर कुछ होगा, कुछ ना कुछ। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। अब लोग आते हैं, अपनी प्रेमिकाओं के नाम लिख के जाते हैं इनके दीवारों पे। और पूरे घर के अंदर बालू बालू। सो सो दिस इज ऑल अबाउट द सिटी ऑफ धनुष्क। सो इसको कभी बसाने की कोशिश नहीं की गई, और जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया। और मेरे ख्याल से ये टेम्पल हुआ करता होगा, दिस लुक लाइक्स अ टेम्पल। और देखो इधर भी मकान हुआ करते थे, घर हुआ करता था। अंकल, व्हाट इज दिस टेंपल? फिर अच्छा, होल्ड हाउस, लुकिंग लाइक अ टेंपल। कभी सुनामी आई थी? हाँ, 1964 में। हाँ, ये सुनामी आया था समुद्र से, पूरे गांव को ले बैठा था, पूरा गांव को खत्म कर दिया था। कितने लोग मरे थे उस समय? मर भी गए थे, जो पुराने मकान सब ध्वस्त हो गए, बिल्डिंग। तो उधर समुद्र में भी कुछ डूब गया कि समुद्र में कुछ भी नहीं है? यही जो था यही है, यही था। वो समुद्र की लहरें यहाँ तक आई होगी। हाँ हाँ, और वो पूरे गाँव को, ये पुराने मकान है बस, ये बचे। अच्छा, आई थी बोले? नहीं, किसी ने मुझे बोला 3 किलोमीटर तक ये गाँव बसा हुआ था, बड़ा गाँव था। आप कहाँ से हो अंकल? इंदौर से। मैं भोपाल से। अच्छा, तो दर्शन हो गया? अच्छा, मैं अभी जाके करूँगा। सुबह नहीं करेंगे? नहीं, सुबह नहीं गया मैं, इधर आ गया धनुषकोटी और उधर ब्रिज ब्रिज घूमने चला गया था। दर्शन तो शाम को भी होता है, रात को भी। 24। सो अंकल मिले हैं, अंकल इज फ्रॉम इंदौर। अंकल क्या चीज़ से आए आप? मैं कल निकल जाऊंगा, इधर से पांडिचेरी जाना है। बड़ा तकलीफ होता है इन सब चीज़ों को देख करके। हाँ, अपन अकेले आते हैं ना तो फिर। सो दिस इज ऑल अबाउट सिटी। ओके अंकल, बाय बाय। अकेले आप चिल मार रहे हो यहाँ पे बैठ के? अच्छा अच्छा, नहीं तो देखना, ऐसा नहीं कि पार हो जाए, बस आपको छोड़ के ना चली जाए। अच्छा अच्छा, आप देख, अच्छा अच्छा, आप देखते रहना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिटी ऑफ, अब तो एक हिस्ट्री बन चुका है ये सिटी, बट इसके पीछे की कहानी बहुत दुखमय है। और सामने वो एक जगह है, वहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं, पूछते हैं, मेरे ख्याल से चर्च हुआ करता होगा वो, अभी चल के पूछते हैं। जी हाँ, जो मुझे लग रहा था वही है, ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, या चर्च देख रहे हैं, या खंडर देख रहे हैं, जो भी आप बोलो, ये उस ज़माने में चर्च हुआ करता था। उस ज़माने में नहीं, आज से 58 साल पहले। इस शहर को बसाया भी नहीं गया, क्योंकि इस शहर को भुताहा शहर बोला जाता है। आई डोंट नो वाई रात को यहाँ पे किसी को रुकने के लिए भी मना किया जाता है। यहाँ पे उस समय स्कूल थे, यहाँ पे हॉस्पिटल थे, यहाँ पे कॉलेजेस थे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। बट अभी लोग घूमने आते, देखने आते, वो भी दिन में, रात को अलाउ नहीं यहाँ पे।
अभी हम लोग धनुषकोटी के जिस जगह पे है ना, जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, बड़ी सी जो ऊंची वाली है, वो रेलवे स्टेशन हुआ करता था उस समय, और ये कहीं ना कहीं उस जगह का, उस समय का प्लेटफॉर्म हुआ करता होगा। यहाँ पे यात्री निवास वगैरह था, और यहाँ पे एक टेंपल भी हुआ करता था। टेंपल अभी भी है, उसको बना दिया गया है, धनुषकोटी राम टेंपल, 1964 अपीयर्ड बिफोर द स्टॉर्म, देखा गया हुआ करता था, अभी भी है, उसके पहले का है, स्टॉर्म के पहले का है। और ऑल अबाउट 1964 के बारे में यहाँ के लोगों से पूछोगे तो पता चलेगा। व्हाट अबाउट अन्ना दिस प्लेस? रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन वेयर? ओके, दैट इज द रेलवे लाइन है। सो ये वाला प्लेस रेलवे लाइन था। ओके ओके ओके, ये देखो हुक, ये देखो लोहे का जो जंजीर बना हुआ होता था ना, वो है यहाँ पे। सो ये पूरा रेलवे स्टेशन था। पीछे वाला जो देख रहे हो वो भी रेलवे स्टेशन का पार्ट था, ये वाला जो है ये भी रेलवे स्टेशन का पार्ट है। एक चीज़ और पूछते अन्ना, वन सेकेंड, हिंदी आता? हिंदी नहीं, ओके। कुंजुम कुंजुम तमिल, लिटिल बिट अंडरस्टैंड। नाइट यू पीपल आर हियर ओनली नाइट, नाइट in internet written no people are here in night, government is saying go out from this place, you people are staying here only na? Here only night also, night only no problem, no problem. Why people are saying like this is a bhoot area? What ra? no people died na in 1964 tsunami, after that no problem here ha? Adu undu danga koil okay. What I'm saying, understand? இல்லை சுனாமி அழிஞ்சது, இது எல்லாமே அழிஞ்சவர் அங்கே இருக்காப்புல, கோயில் இருக்காப்புல, போய் சொன்னீங்கன்னா ஒரு காம் மாதிரி தருவாப்புல, பாருங்க அதில் அதை கொடுப்பாப்புல, அதில் நினச்சு கூட எப்படி அழிஞ்சு ஏது அழிஞ்சுன்னா அதில் இருக்கு, அந்த கோயிலில் போங்க, கோயிலில் இருக்கு. நைட் நோ ப்ராப்ளம், ஸ்டேயிங் ப்ராப்ளம் நோ, நோ பூத் நோ கம்மிங் பூத்தா இது இதா एक्चुअली ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मैं इसलिए इनसे पूछा, ओके थैंक यू अन्ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गूगल में ये लिखा हुआ है कि नाइट में इस जगह से लोगों को हटा दिया जाता है, ये जगह भूताहा है। एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट, द पीपल आर स्टेइंग इन दिस हट्स, और यहाँ पे लोग रहते हैं, रात में भी रहते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस भी तरह का आपके अंदर मिथक है या स्टोरी पढ़ के आपको मालूम चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट निकालती है कि नहीं निकालती है, मैंने लोकल लोगों से पूछने की कोशिश की, बट दे पीपल्स डोंट नो हिंदी दैट मच। तो अभी जो इंटरनेट में है आप उसको मान लो, या जो मैं पूछ रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो लोगों को दिखा रहा हूँ उसको मान लो। दैट इज़ ऑल अबाउट, ये रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था ये वाला, और यहाँ से ये सुनामी के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। 1964 में जो सुनामी आई थी ना, उसके पहले ये कनेक्टेड होगा, ब्रिज व्रिज का लफड़ा नहीं होगा, जो ब्रिज मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया उस ब्रिज का लफड़ा नहीं होगा। अभी वो बीच में समुद्र का पानी आ गया, ऐसा कुछ हुआ होगा उस समय जब सुनामी आया होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट, सो रामेश्वरम हो सकता है शहर बाद में बसा होगा, उसके पहले ये धनुषकोटी ही शहर हुआ करता होगा। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। लेट्स गो फ्रॉम दिस प्लेस, दर्शन करने चलना है, ऑलवेज आई एम टेलिंग कि दर्शन करने चलना है, बट फिर मैं कुछ चीज़ें देखने के लिए आ जाता हूँ, बिकॉज इंटरेस्टिंग है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर है शंकर भगवान का। सो और ये रेलवे स्टेशन का ही पार्ट हुआ करता था। सो
सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ लोग अभी भी रहते हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि रात को यहाँ पे भूत वगैरह आता है, गवर्नमेंट यहाँ रहने नहीं देता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, दिस इज ऑल अबाउट गुड। शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, आप इधर राइट हैंड साइड तक देखो, ये सब शहर हुआ करता था उस समय, समुद्र ने निगल लिया सबको, आप ऐसा कह सकते हैं, बट अभी तो ऐसा ही है, दोनों साइड आपको समुद्र दिखेगा और बीच में थोड़ा सा रोड, सही चलते हैं एक सेकेंड। ये 1964 का पोर्ट हुआ करता था यहाँ से, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी धनुषकोटी, और ये वहाँ का पोर्ट था, यहाँ पे ऐसे तो अभी कोई नहीं आता, बट मैं आया हूँ अपनी धनों के साथ, सो यहाँ पे कोई नहीं आता, टूरिस्ट भी नहीं आते यहाँ पे, और पीछे आप देखोगे तो इस साइड में बहुत सारे घर बने हुए, लोग रहते हैं यहाँ पे आज भी, और समुद्र के ऊपर बना हुआ है। So, आप देखो ये जंजीरें उस समय की हैं, उस समय नाव बांधे जाते होंगे, बड़े बड़े जहाज बांधे जाते होंगे। ओहो ये देखो, जब रात होता है ना तो लहर ऊपर तक आता है, इसलिए ये पोर्शन भींगा हुआ है, फोटो वगैरह लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। So, awesome. टायर आप देख रहे हो ना, ये टायर अभी के नहीं है मेरे ख्याल से, उसी समय के टायर होंगे, उसे सिक्कड़ से बंधा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे बोट आती होगी ना तो यहाँ पे बांधे जाते होंगे और यहाँ से टकराए ना, इस तरह से बना होगा। और मैं आपको बताऊँ, ये अपोलो कंपनी का टायर लगा हुआ है, बट आई कैन सी फ्रॉम माई आईज दिस टायर एक्चुअली बिलोंग्स टू द कंपनी विच इज़ नोन एज अपोलो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ एम आर एफ के भी हैं, कुछ दूसरी कंपनी के भी हैं, काजीन KJ 100, और उधर जो लगा है वो अपोलो है, लास्ट वाला अपोलो है। और इस साइड का देखो, बताता हूँ आप देखो, यहाँ पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये JK टायर भी लगा हुआ है। ये अपोलो फर्स्ट वाला, ये देखो ये अपोलो टायर है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, सारे टायर्स लगे हुए, क्योंकि यहाँ पे वो आएगा ना बोट आएगा तो इसे टकरा के टूटे ना, ये टायर उसको रोकता है, इट इज़ ऑल अबाउट। और ये रखा हुआ है पता है यहाँ पे, ये तैर रहा है एक्चुअली, आप देखोगे तो पूरा नीचे तक नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हिलता भी नहीं है। तो ये तो चलते हैं यहाँ से, अब देखो हेलमेट कैसे हिल रहा है, एक बार आदमी देखेगा तो डर जाएगा। रिकग्नाइज करना, वो लोग पैदल चल रहे हैं, जो ये समुद्र का पानी आपको दिख रहा है ना, बहुत हल्का है, मतलब इतना भी पानी नहीं है, आप देखो पैदल जा रहे हैं, दो लोग जा रहे होंगे और वो चल के जा रहे हैं, सो इतना कम है समुद्र का पानी यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली दिख रहा होगा आप लोगों को, दो बंदे जा रहा है, एक बंदा कुछ ले करके खींच के जा रहा है और एक बंदा पैदल आगे आगे चल रहा है, सो मतलब पैदल आप जा सकते हो। सो मैंने बताया ना, ये पहले जो समय था, ये उस समय पूरा जमीन हुआ करता होगा, पानी भर गया है, बहुत सारी चीज़ें पानी के अंदर चली गई, बहुत सारी चीज़ें पानी के बाहर है आज भी, बट सुनामी में सारा डिस्ट्रॉय हो गया।
पीछे जो आप टेंपल देख रहे हैं ना, ये है रामेश्वरम का टेंपल। और यहाँ जाने के लिए आपको नहाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सारी चीज़ें पता कर ली है, ना मोबाइल आप ले जा सकते हैं ना कैमरा ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ होटल, जींस चेंज करते हैं, हाफ पैंट पहनेंगे और ये टी शर्ट पहनेंगे, आएंगे यहाँ पे नहाएंगे और आगे अंदर जाके दर्शन करेंगे। तो मोबाइल कैमरा सब छोड़ के आएंगे, अभी चलते हैं होटल में। और सॉरी मैं आप लोगों का दर्शन नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग है उसमें आप मोबाइल कैमरा वगैरह तो लेके नहीं जा सकते, जहाँ तक आप लोगों को ही मालूम होगा। तो फालतू का यहाँ कैरी करके और टेंशन लेकर के कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ से चलते हैं होटल, होटल में सारा सामान रखेंगे, देन आई विल बैक टू दिस प्लेस और दर्शन करेंगे, और फिर सुबह कल निकलेंगे पांडिचेरी के लिए।